हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल जीटीएस राइड, और वेलकम टू यू ऑन माय चैनल जीटीएस राइड वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे बाइक के सर्विसिंग के बारे में। लाइक काफी सारे मेरे फ्रेंड्स उन्होंने काफी बार पूछा है मुझसे कि आपके बाइक का सर्विसिंग क्या है, लाइक सर्विसिंग कॉस्ट कितनी पड़ी है अब तक। तो मैं आपको इस वीडियो में टेक्निकली लाइक 15,000 किलोमीटर मैंने अभी तक राइड किया है मेरे बाइक में, MT15 में। सो मैं आपको 15,000 किलोमीटर तक की जितनी भी सर्विसिंग मेरी हिस्ट्री है और जितने भी मेरे सर्विसिंग में कॉस्ट पड़ी है बाइक में, तो मैं आपको वो सब इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप जो बाइक परचेज कीजिएगा उसका एक बड़ा हिस्सा आपको सर्विसिंग पे भी देना होगा। लाइक मेरी बाइक ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर चल चुकी है और मुझे अब तक अराउंड 10,000 रुपीज मुझे अभी तक सर्विसिंग पे ही पड़ गई है। तो अराउंड उसी के आसपास जितनी आप एक्सपेंसिव बाइक लीजिएगा उतनी ही आपको उसकी जो सर्विसिंग कॉस्ट होगी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी, उतनी ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी उस बाइक की सर्विसिंग। तो और एक बात है कि अभी के टाइम में आप अगर देखिए, मैंने अपनी बाइक की EMI में ली है, तो आप भी अगर अपनी बाइक की EMI में लीजिएगा तो आपको पहले से कंसीडर करके रखनी चाहिए कि बाइक की जो सर्विसिंग है वो रियली में काफी एक्सपेंसिव होती है, किसी किसी बाइक में नहीं होती है। लाइक मैं इससे पहले स्प्लेंडर फिर डिस्कवर ये सब बाइक के सर्विसेज देख चुका था। इससे पहले मैंने कभी लाइक RS 200 या फिर R15 के सर्विसिंग के कॉस्ट को कंसिडर लाइक देखा नहीं था, पर अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सर्विसिंग कॉस्ट रियली मैटर करता है। अगर मैं जैसे मैं EMI भी भरूंगा पर मंथ 5,000-6,000 और फिर मेरे जो सर्विसिंग कॉस्ट होगा अराउंड 1,000 के पास होगी, तो फिर क्योंकि वो EMIs भी भर रहे होते हैं और फिर साथ ही साथ उनको सर्विसिंग के लिए भी पे करना पड़ता है, तो ये कभी किसी किसी के लिए ये काफी मुश्किल रहता है। जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए तो हमें एक्सपेंसिव बाइक लाइक मैं 390 परचेज कर सकता था, बट मुझे लगा कि 390 के बाइक्स के जो पार्ट्स हैं जो सर्विसिंग कॉस्ट वो नॉर्मल 150cc के बाइक्स या फिर 200cc बाइक्स लाइक 200RS से ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। जो कि मैं फिलहाल स्टूडेंट हूँ, मुझे पेट्रोल और मुझे टूरिंग करना भी पसंद है, तो मैं इतना एक्सपेंस बेयर नहीं कर सकता अभी। तो इसलिए आपको बाइक परचेज करने के साथ साथ ही बाइक की सर्विसिंग को भी ध्यान पे रख के ही बाइक परचेज करनी चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए जैसा कि मैं बहने वाला था। मैं इससे पहले ड्यूक 200 खरीदने वाला था, पर उसकी सर्विसिंग कॉस्ट काफी हाई थी और जो माइलेज थी वो काफी उतनी अच्छी नहीं थी, और मैं अपने बाइक को कॉलेज डेली कंटिन्यू अराउंड 40-50 किलोमीटर डेली राइड करता हूँ, सो ये भी मैटर करता था मेरे लिए। तो इसलिए मैंने ड्यूक 200 कंसिडर नहीं किया, ना ही RS 200 कंसिडर किया। सो चलिए अब बात करते हैं मेरे बाइक के सर्विसिंग के बारे में। तो मेरे बाइक की जो पहली सर्विसिंग थी वो थी अराउंड 600, स्क्रीन पे दिख रही होगी अभी सर्विसिंग की रिसिप्ट, उसमें आप देख सकते हैं कि पहली सर्विसिंग मेरी हुई थी अराउंड 1000 किलोमीटर पे और उसकी जो कॉस्ट थी फिलहाल 600 रुपीज थी। तो पहली सर्विसिंग में ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपके लिए इंजन ऑयल को चेंज कर दिया जाता है और लाइक ल्यूब किया जाता है आपके चेन को, और वही बस मैकेनिकल ग्लिच सब देखा जाता है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। और अब आते हैं हम अपने सेकंड सर्विसिंग के ऊपर। और जो मेरी सेकंड सर्विसिंग हुई थी बाइक की वो हुई थी ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर के आसपास, नहीं एक्चुअली 4000 जो मेरी सेकंड सर्विसिंग हुई थी वो अराउंड 4000 किलोमीटर के आसपास हुई थी। तो आपको पर 3000 किलोमीटर में आपको ऑयल चेंज करना होगा, इंजन ऑयल चेंज करना होगा आपको, फिर एयर फिल्टर को क्लीन करवाना होगा। और वो 4000 की जो सर्विसिंग हुई थी वो सेकंड सर्विसिंग वो अराउंड 700 रुपीज के आसपास हुआ था सर्विसिंग, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ था मेरा, वही इंजन ऑयल चेंज हुआ था और फिर वही इंजन फिल्टर, इंजन
ऑयल फिल्टर वो चेंज हुआ था और मैंने थोड़ा बहुत कूलेंट को टॉप अप कराया था, तो यही चेंजेस हुए थे इसमें मेरे को। इसमें अराउंड मेरे को 700 रुपीज के आसपास खर्चा हुआ। सो और जो मेरी थर्ड सर्विसिंग थी मेरी बाइक की, वो विथ अराउंड 7000 किलोमीटर में होनी थी, बट ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग वो जो मैकेनिक था उन्होंने मुझे मिस इन्फॉर्मेशन दिया कि आपकी बाइक अब डायरेक्ट 8000 किलोमीटर में आएगी यहाँ सर्विस सेंटर पे। तो इस वजह से मैंने 7000 किलोमीटर पे ना जाके 8000 किलोमीटर पे अपनी बाइक लेके गया था अपनी बाइक को सर्विस सेंटर में। तो उन्होंने बताया कि आपकी वारंटी जा सकती है इंजन की, तो अगली बार से आप ऐसा ना करें। तो मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि बस 500 किलोमीटर आप रन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे 7000 में सर्विसिंग कराना था, तो आप 500 किलोमीटर जा सकते हैं। 7500 किलोमीटर से पहले आपको सर्विसिंग करवा लेनी ही पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अब मैं बता देता हूँ कि थर्ड सर्विसिंग में मेरे को अराउंड 1200 के पास कॉस्ट पड़ी थी, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी अभी। सो ये सर्विसिंग मैंने जो थर्ड सर्विसिंग कराई थी वो 8000 किलोमीटर पे कराई थी, जैसे कि मैंने बताया। सो अब बात करते हैं मेरे फोर्थ सर्विसिंग के बारे में। फोर्थ सर्विसिंग जो मेरी हुई थी, फोर्थ सर्विसिंग जो मेरी बाइक की हुई थी वो हुई थी ऑलमोस्ट 9600 किलोमीटर के आसपास, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। सो इसमें मेरे को कॉस्ट पड़ा था अराउंड 1900 के आसपास। इसपे इतना ज्यादा कॉस्ट इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें मैंने कुछ अलग से पार्ट्स इसमें लगाए थे मेरे बाइक में, तो इसी वजह से मेरा जो ये कॉस्ट था 1900, ये इतना नहीं था, ये इतना होना नहीं चाहिए था, बट एक्स्ट्रा एसेसरीज के वजह से कॉस्ट इतनी ज्यादा। मैंने फोर्थ सर्विसिंग कराया था, इसके बाद मैंने और एक एक्स्ट्रा सर्विसिंग कराया था फिफ्थ सर्विसिंग से पहले, वो इसीलिए क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, जो कि कॉमन बात है, वो होता ही है। तो उसमें भले मेरे को चोट नहीं लगा और सामने वाले को भी चोट नहीं लगा, पर मेरे बाइक के जो हैंडल था वो बैंड हो चुका था, और भी लाइक ब्रेक जो मेरा गियर लीवर था वो थोड़ा लाइक टेढ़ा हो गया था, और उस टाइम में मेरे जो ब्रेक लीवर था वो भी टूट चुका था, हैंड वाली फ्रंट जो ब्रेक लीवर होती है वो टूट चुका था। तो इसलिए मुझे उस जो एक्स्ट्रा सर्विसिंग थी फोर्थ सर्विसिंग के बाद, उसमें कुछ ज़्यादा ही मेरे को चार्जेस लग गए लाइक सर्विसिंग के, क्योंकि मुझे नए नए पार्ट्स उसमें लगवाने पड़े क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से। तो मेरा उस टाइम में जो एक सर्विसिंग कॉस्ट पड़ा वो था 4260 एक्यूरेटली, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वो रिसिप्ट भी देख सकते हैं, इनवॉइस भी देख सकते हैं। सो उस सर्विसिंग में मैंने अपना हैंडल चेंज किया था, हैंडल की जो बार आती है हैंडल बार चेंज कराया था, और फिर मैंने मोबाइल होल्डर चेंज लगवाया था एक न्यू, और फिर मैं ब्रेक लीवर चेंज कराया था, फिर मोबाइल चार्जर लगवाया था मैंने अपने बाइक पे, और टैंक पैड लगवाया था अपने बाइक पे, और एक की रिंग भी मैंने यामा के सर्विस सेंटर से खरीदा था। तो इसलिए इस सर्विसिंग में मेरे को सबसे ज़्यादा लाइक चार्जेस देने पड़े 4260। बट ये सर्विसिंग आप लाइक स्किप कर सकते हैं, इस सर्विसिंग को आप मेरे मेन सर्विसिंग से में इंक्लूड नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेरे फिफ्थ सर्विसिंग, जो कि मैंने फोर्थ सर्विसिंग का बता दिया आपको कितना चार्ज लगा था, और मैंने बता दिया आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि फिफ्थ सर्विसिंग से पहले मेरे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे थे सर्विसिंग के, और अब बात करते हैं मेरे फिफ्थ सर्विसिंग के बारे में। तो और ये सर्विसिंग मैंने कराया था अराउंड 13300 किलोमीटर के आसपास, और इसमें मेरे को कॉस्ट पड़ा था ऑलमोस्ट 900 रुपीस के आसपास। तो इसमें बस वही ऑयल चेंज और फिर ऑयल फिल्टर और फिर एयर फिल्टर क्लीनिंग यही सब। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेरे फिफ्थ सर्विसिंग के बारे में। तो फिफ्थ सर्विसिंग जो मैंने कराया था वो 15000 किलोमीटर पे कराया था, और ये मेरी लास्ट सर्विसिंग थी। सो इसमें मेरे को अराउंड 600 के आसपास लाइक सर्विसिंग के पड़े, जो कि बहुत कम था। अगर देखा जाए तो मैंने सबसे पहले सर्विसिंग कराया था, उसमें मेरे को सबसे पहले सर्विसिंग पे 600 के आसपास पड़ी थी, और ये सबसे
लोएस्ट बोल सकते हैं, ये सबसे लोएस्ट सर्विसिंग कॉस्ट मेरे पड़ा मेरे बाइक का 600 अराउंड। तो फ्रेंड्स, मैंने फिलहाल आपको सारे के सारे सर्विसिंग मेरे हिस्ट्री जो थी उसके बारे में आपको बता दिया मैंने। फिलहाल इस वीडियो को मैं यही एंड करना चाहूंगा। तो अब फिलहाल मैं और एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि आपके जो मेन बाइक की कॉस्ट है उससे और साइड में आपकी जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो बहुत मैटर करती है। मैं बाइक खरीदने से पहले ये सब कुछ जानता नहीं था, इसी वजह से मेरे को काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। सो अब फिलहाल मैं आपको ये सब एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ। तो अब अगर आप फिलहाल न्यू बाइक खरीदने को प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये मेंटेनेंस कॉस्ट और सर्विसिंग कॉस्ट को कंसिडर जरूर कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड इस वीडियो को देखने के लिए। मैं फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा और थैंक यू वंस अगेन इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई बैक करूंगा। और थैंक यू।